विनोद मिश्रा जी हरे बोलते हैं, हरे कृष्णा। क्या साईं बाबा की पूजा करना उचित है? मेरे ख्याल से वो एक संत थे और हमें इज्जत करनी चाहिए ना कि पूजा। प्लीज इसका समाधान करें। हरे कृष्णा विनोद जी, एक वैष्णव समस्त जीवों की इज्जत करता है, चाहे वो संत हो या ना हो। एक वैष्णव, एक भक्त जो है, एक कृष्ण भक्त, एक चींटी की भी इज्जत करता है। कैसे? उसको ना मार कर। क्योंकि सबसे पहला हर व्यक्ति का, हर जीव का क्या है? जीने का। His right to live, अधिकार है उसका जीने का। तो पहला, आप इज्जत कैसे करते हो किसी व्यक्ति की? उसका अधिकार को ना मार कर। तो हम सबकी इज्जत करते हैं। साईं बाबा जी क्या है, क्या थे, इससे कोई शास्त्रों में चर्चा नहीं है, इसलिए हम उनकी पूजा भी नहीं करते। इज्जत हम सबकी करते हैं, इसलिए वो भी सबके में आ गए। ये तो देवी देवता भी नहीं है, परंतु भटका जरूर रहे हैं लोगों को भगवान से। संत का काम भटकाना नहीं है, संत का काम है बताना कि भगवान कौन है। मैंने एक बार देखा था कि लोग बोलते थे कि सबका मालिक एक। अबे है कौन ये तो बता दे, है सबका मालिक एक। अब वो एक को ढूंढ रहा हूं मैं, कभी दो मिल जाता है, कभी तीन मिल जाता है, परंतु वो एक नहीं मिलता। तो ये मूर्ख बना रहे हैं लोग, वो भगवान नहीं है। और इज्जत करना गलत नहीं है, परंतु इज्जत कैसे करोगे? कैसे इज्जत करोगे बताइए? मंदिर बना के इज्जत करते हैं आप? अपने पिताजी की इज्जत करते हो? नहीं करते? बताइए। करता हूँ, मंदिर बना दियो। मंदिर सिर्फ भगवान के बनते हैं, किसी के आम के नहीं बना करते। हमारे भी गुरुदेवों के मंदिर नहीं बनते, समाधियां बना करते, मंदिर नहीं होते वो। मंदिर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो लोग जो अभी जा रहे हैं अलग अलग जगहों को, जिनको ये साईं बाबा का मंदिर कहते हैं, वो साईं बाबा की समाधियां हैं, मंदिर नहीं है। वो नहीं बात कर रहा मैं, हर जगह जो बनाया है उन्होंने, जिसको साईं बाबा मंदिर कहते हैं, ये हर जगह जो बनी हुई है वो समाधियां हैं, वो मंदिर नहीं है। अब वो समाधि लायक थे भी कि नहीं थे, ये कोई डिस्कशन का फोरम नहीं है और ना ही मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं इस पे परंतु इतना बता सकता हूं कि हो सकता है उन्होंने ना भटकाया हो, परंतु उनके नाम पे लोग पैसा कमा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ भी ना कहा हो, हो सकता है वो थे भी कि नहीं, क्योंकि ये तो एक आईएएस ऑफिसर के अंदर अपने थीसिस बनाई थी इसको पीएचडी करने के लिए, बॉम्बे के एक आईएएस ऑफिसर, महाराष्ट्र के काडर के, उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसमें थीसिस लिख दी। बस आपने उदित पढ़ा, कभी जानने की कोशिश करी कि शुरुआत कैसे हुआ? ये नहीं करी। क्या करें विनोद जी, हिंदुस्तान है, यहां तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। रावण है ना सबके सब, तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, मूर्ख कहीं के। भगवत गीता पढ़िए 16वां अध्याय, भगवान कहते हैं अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए ये असुर लोग किसी को भी कुछ भी करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कभी गधे को बाप नहीं बनाया था, अपने बाप को गधा जरूर कहा था कि तुम गलत काम कर रहे हो असुरराज।